तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बिल में जो कि एक्सेस पे बना हुआ है, ये एक स्कूल का सॉफ्टवेयर है, एक कोचिंग संस्थान का एक सॉफ्टवेयर है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और इसमें जो है ये सॉफ्टवेयर एक्सेस पे बना हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं आईडी, कोर्स आईडी, कोर्स ड्यूरेशन, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह ये सब लिखे हुए हैं। और इनकी फ़ीस जो सबमिट होती है ना, ये झारखंड के रहने वाले हैं, नाम मुझे पता नहीं, याद नहीं। तो इन्होंने ये पूछा है कि टोटल पेड जो कर रहे हैं वो इनका ऐड होकर नहीं आ रहा है, दूसरी बात कि रेस्ट अमाउंट भी नहीं दिखा रहा है, इनको ये दिक्कत आ रही है, इन्होंने ये सवाल पूछा है। तो इसी के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इनको कहाँ दिक्कत आ रही है और इनकी दिक्कत को कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले मैं अब यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस चूज करता हूँ मैं, और इन्होंने क्या क्या लिया हुआ है पहले ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले व्यू पे क्लिक करते हैं और इसे नाम दे देते हैं फी मैनेजमेंट, ठीक है, इसको नाम दे दिया फी मैनेजमेंट। और अब हम आ जाएंगे यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, ये प्राइमरी की है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी डाल सकते हैं हम, स्टूडेंट आईडी ये डाल दिया हमने, इसको हम ऑटो नंबर रहने देते हैं, ठीक है। आप नंबर भी कर सकते हैं, अगर नंबर करेंगे तो अपनी इच्छा से नंबर डाल पाएंगे, नहीं तो ये 1 2 3 के फॉर्म में अपने आप नंबर देता जाएगा। फिर कोर्स कोड, कोर्स ड्यूरेशन ये सब देना है हमें, तो आइए कोर्स कोड देते हैं यहाँ पे, कोर्स कोड, ठीक है, कोर्स कोड को भी हम नंबर ही रख लेते हैं। कोर्स ड्यूरेशन तो यहाँ कोर्स ड्यूरेशन करेंगे, COUR होगा, यहाँ पे R छूट गया है। यहाँ कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो यहाँ पे हम नंबर ही देंगे, ठीक है। और नंबर में भी क्या करेंगे, यहाँ लॉन्ग इंटीजर आ रहा है, इसको हम बना लेंगे डेसिमल, ठीक है। और यहाँ पर प्रिसीजन जो है 18 दिया हुआ है, इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर कर देंगे 2, ठीक है, बस इतना ही करना है हमें। जो है इसको भी हम बना देंगे 2, ठीक है। और यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब क्या देना है हमें, आइए देख लेते हैं इनके सॉफ्टवेयर में क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे है इनका सॉफ्टवेयर, तो इसको बड़ा करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, अब रजिस्ट्रेशन नंबर है और कोर्स का ड्यूरेशन तो हम दे ही चुके हैं, तो आइए रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं। और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देंगे और ये भी होगा नंबर डेटा टाइप। और यहाँ पर देंगे हम स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम दे सकते हैं हम, और स्टूडेंट नेम टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। और यहाँ पे आप फीस की डिटेल देंगे, तो हम जनवरी से उठाते हैं, आपको जहाँ से इच्छा वहाँ से उठा सकते हैं, हम जनवरी से बना रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को। यहाँ सबको नंबर ही डेटा टाइप रखना है आपको, ये बात आपको ध्यान देनी है। जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च और अंत में दिसंबर, इतना देने के बाद यहाँ पे हमें करना है टोटल पेड, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं टोटल पेड, ठीक है। और इसको हम करेंगे टेक्स्ट नंबर डेटा टाइप, सबको नंबर ही बनाना है तो इसको भी नंबर रख लेते हैं, और टोटल पेड, और उसके बाद अरेस्ट अमाउंट करेंगे, रेस्ट अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे भी नंबर डेटा टाइप रखेंगे, और यहाँ पे टोटल फीस कर देंगे, टोटल फीस, तो जो भी यहाँ टोटल फीस हम लिखेंगे वो यहाँ पे नंबर डेटा टाइप में आ जाएगी, हम मैन्युअली टाइप करेंगे इसको। और यहाँ पर आप सबको नंबर डेटा टाइप बना दीजिए, काम बहुत ही आसान हो गया है आपका। इसके बाद नीचे आइए, ऊपर जाइए और यहाँ पर इसको भी नंबर डेटा टाइप बनाइए। अब यहाँ स्टूडेंट नेम है तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप रहेगा, और यहाँ कोर्स ड्यूरेशन है, ठीक है, ऊपर चलते हैं एक बार और। स्टूडेंट आईडी है, कोर्स कोड है,
कोर्स नेम हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पर एक और कॉलम हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट रो, तो ऊपर में एक रो इंसर्ट हो गया है, यहाँ पे हम दे देते हैं कोर्स नेम, ठीक है, यहाँ ME, तो कोर्स नेम में यहाँ पर आकर के हमें क्या करना है, यहाँ पे चुनना है हमें लुकअप विजार्ड, लुकअप विजार्ड पे जाइए, यहाँ से लुकअप विजार्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आई विल टाइप पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे लाइन से लिखते जाइए, जैसे पहला कोर्स है CCC, ठीक है, और दूसरा कोर्स है ओ लेवल, मैंने यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया है, आपने DCA DCA लिया था, हमने यहाँ ओ लेवल कर दिया, ये दो कोर्स रखा हमने, ठीक है, तो अब इसको फिनिश करते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कोर्स कोड, दो कोड हमें डालने हैं, तो यहाँ पर भी लुकअप विजार्ड में जाइएगा आप, यहाँ पे आपको लुकअप विजार्ड में ही जाना है, यहाँ पे आ गए और यहाँ आई विल टाइप पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे करिए और यहाँ पे मान लीजिए कोर्स कोड का नाम है, जो कोड है वो पहले का 101 है और दूसरे का 102 है, ये दोनों कोड हमने दे दिए हैं, और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए आप, और जैसे क्लिक कीजिएगा फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, आपका काम हो चुका है, अब यहाँ व्यू पे क्लिक कर दीजिए और यस कर दीजिए, तो ये इस प्रकार से आपके सामने आएगा। और अगर आप कोर्स की ड्यूरेशन में चेंजिंग चाहते हैं तो यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोर्स ड्यूरेशन है, तो ये नंबर डेटा टाइप हमने ले रखा है, आप हम इसको टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आएगा ये खुल करके। अब हमें क्या करना है, क्रिएट पे जाना है, क्वेरी डिज़ाइन पे जाना है, और यहाँ पे कैलकुलेशन संबंधित कार्य हमें करना है, तो यहाँ स्टूडेंट आईडी डबल क्लिक करते जाइए, यहाँ नीचे बॉक्स में इंसर्ट होता जाएगा कोर्स नेम, कोर्स कोड, ड्यूरेशन, रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट नेम, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल पेड, रेस्ट अमाउंट, टोटल फीस, ठीक है, ये सब हमने कर लिया है। अब हमें यहाँ पे आना है टोटल पेड पे, ठीक है, तो टोटल पेड कैसे निकलेगा इसको हमको देखना है, टोटल पेड पे जाइए, यहाँ कोलन लगा दीजिए, डबल जो बिंदु का निशान है जो एल के ठीक बाद दिया हुआ है उसे कोलन कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ा वाला कोष्टक को स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और यहाँ पर लिखिए जनवरी, सबसे पहला है जनवरी, जनवरी में जो फीस जमा होगी, फिर लिखिए फरवरी, FEB फरवरी हो गया, फिर लिखिए मार्च, MAR मार्च हो जाएगा, फिर लिखिए अप्रैल, APR अप्रैल हो जाएगा, फिर लिखिए मई, MAY मई हो जाएगा, MAY, ठीक है, मई के बाद अब आपको करना है जून, प्लस लगाइए, जून करिए, जो भी आप एक्सप्रेशन लगा रहे हैं, जो भी आप प्लस का साइन दे रहे हैं, ठीक है, जो भी ऑपरेटर लिख रहे हैं आप, जो भी प्लस का साइन दे रहे हैं उसको आप ब्रैकेट के बाहर ही लिखेंगे, तो अब जून करना है तो JUN जून हो जाएगा, आइए देख लेते हैं स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है, अब प्लस का निशान बनाइए, JUL जुलाई हो जाएगा, AUG अगस्त हो जाएगा, SEPT सितंबर हो जाएगा, OCT अक्टूबर हो जाएगा, NOV नवंबर हो जाएगा, DEC दिसंबर हो जाएगा, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा डेटा हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर जो टोटल फीस हम देंगे, टोटल फीस में से हमें माइनस करना है किसको, ओ यहाँ पे सिंटेक्स इनवैलिड, यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये देखिएगा आपसे ये ना हो, रेस्ट अमाउंट में जाएंगे, अब यहाँ पर क्या करना है, कोलन लगाइए, और हमें टोटल फीस में से टोटल पेड को घटाना है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल फीस, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, माइनस, यहाँ माइनस करना है टोटल पेड, ठीक है, तो टोटल पेड से टोटल फीस को माइनस कर दीजिए आप, टोटल पेड, यहाँ पे जब माइनस कीजिएगा तो अमाउंट अपने आप शो होने लगेगा, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ दिखेगा आपको इंटरफेस, अब मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, देखिए जैसे कोर्स नेम है, यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ CCC कोर्स है, कोर्स का कोड जो भी हो यहाँ से चूज कर लीजिए, और यहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3, ठीक है, 3 मंथ कर देते हैं हम, MONTHS 3 मंथ्स, ठीक है।
अब यहाँ रजिस्ट्रेशन में आएंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो, ठीक है, और स्टूडेंट का नाम यहाँ से देंगे, तो जो भी स्टूडेंट का नाम होगा, जैसे राम दे देता हूँ मैं, RAM, ठीक है। और यहाँ जनवरी में फ़ीस जो लगी, जैसे मान लीजिए जनवरी में फ़ीस थी 500 रुपये, ठीक है, फरवरी में 500। अब आप देखते जाइएगा, यहाँ मार्च में 500 हो गया, अप्रैल में आपने जमा किया 500 रुपये, ठीक है, और मान लीजिए मई में जमा किया 300 रुपये, ठीक है, जून में जमा किया 700 रुपये, ठीक है, और जुलाई में जमा किया 500 रुपये, ठीक है, अगस्त में 500, सितंबर में 500, अक्टूबर में 500, नवंबर में 500, और एट लास्ट दिसंबर में 500 रुपये आपने जमा कर दिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल पेड अमाउंट अपने आप आ गया, ठीक है। अब जहाँ तक बात है रेस्ट अमाउंट की, तो रेस्ट अमाउंट यहाँ टोटल फीस लिखिए आप, टोटल फीस कितनी है, 6,000 रुपये है। तो यहाँ पे जैसे एंटर करिएगा तो आई होप कि रेस्ट अमाउंट भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रेस्ट अमाउंट 0 हो गया है। अगर 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 यहाँ पर फीस में आप कटौती करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ फीस कम हो गई, 500 रुपये नहीं आए, ठीक है, तो अभी यहाँ पे टोटल पेड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अभी इसको हम फिर से करते हैं, यहाँ पे जैसे ही हम दिसंबर से हटेंगे तो यहाँ टोटल पेड नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कर देना है 0, ठीक है, 0 कर दीजिए तो यहाँ टोटल पेड आ गया। और यहाँ पे रेस्ट अमाउंट देखिए दिखाने लगा है, यहाँ रेस्ट अमाउंट 500 रुपये बचा हुआ है, तो आपको 0 करना है यहाँ पे, 0 नहीं करिएगा तो नहीं होगा ये, ठीक है। तो आसानी यही है कि आप यहाँ पे 0 कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे 0 कर दिया हमने, जैसे ही 0 करेंगे तो रेस्ट अमाउंट बढ़ गया आपका और 1,000 रुपये हो गया। तो यहाँ से आपको 0 करना होगा। अब क्रिएट पे जाइए, अपना फॉर्म बना लीजिए, जैसे आप फॉर्म बनाते हैं वैसे आप फॉर्म बना लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीस, ठीक है, तो यहाँ से फॉर्म बन चुका है हमारा, आप देख सकते हैं फॉर्म हमने बना लिया है। अब इस फीस मैनेजमेंट यहाँ कर देंगे हम, फीस मैनेजमेंट आगे लिख देंगे, फी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है। तो जैसे ही फी मैनेजमेंट करेंगे यहाँ पे, तो ये फी मैनेजमेंट का हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएट हो चुका है। इसको कलर प्रोवाइड कर देते हैं जो कलर देना है हमें, और यहाँ से इसको कर देंगे हम ब्लैक या कोई और कलर, रेड में कर देंगे, और इसको हम वाइट कर देते हैं, और इसको कर देते हैं रेड, यहाँ से रेड किया और इसको कर देंगे हम वाइट, और इसको हम बोल्ड कर देंगे यहाँ से, तो ये बोल्ड में हो गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये शो कर रहा है। अब आपको जब भी नया रिकॉर्ड एंटर करना होगा तो यहाँ से आप आके न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड एंटर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम फॉर्म व्यू में जाते हैं, यहाँ पे जैसे श्याम लिख दिया हमने, श्याम, ठीक है, तो श्याम लिखा, और कोर्स कोड जो भी हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, 102 है कोर्स कोड, ठीक है, और कोर्स ड्यूरेशन जो भी हो, जैसे मान लीजिए कि कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर का है, ठीक है, तो यहाँ 1 ईयर लिख दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर है 23, तो यहाँ 23, स्टूडेंट का नाम है अवनीश, तो यहाँ अवनीश लिख दिया हमने, और जनवरी फरवरी जो भी फीस आपकी है 600, यहाँ पे पहले महीने 600 पेड कर दिया, दूसरे महीने 400 दिया, ठीक है, और बाकी सब में मान लीजिए 0 रह जाता है, फीस आपको यहाँ 0 दर्शानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कर दिया हमने, यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया। अब इसको सबको 0 कर दीजिए आप, एट लास्ट दिसंबर में 0 कर दिया, तो आपको टोटल पेड यहाँ पे टोटल फीस है आपकी 6,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी फीस बकाया रह जाएगी ये अपने आप शो करेगा, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0,0 किया हमने तो टोटल जो रेस्ट अमाउंट है वो कितना आ गया, 5,000 रुपये आ गया। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं, उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम 0 नहीं लिखना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं एक दिन और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और उसमें आप देख पाएंगे कि कैसे हम ये भी काम कर सकते हैं। तो आई होप कि कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।